के बोलो। मैं आ रही हूँ मैली। मैं गिर गई। कोचा वाला योगा अब बैठो में देख रही। दिस पोज इज़ द बेस्ट फॉर हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल्स स्ट्रेचेज। इसमें हम दोनों पैरों को फैलाकर अपने हाथों की हेल्प से एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे जहाँ तक भी हम पहुँच पाएँ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ झुकना है। डोंट फॉल डाउन, या फिर अपने टोज को ऐसे अपने दोनों हाथों से पकड़ के आगे की तरफ झुकेंगे एक्सेल करते हुए एंड स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। अर्धमत्स्येन्द्रासना, इसमें हम अपने एक पैर को मोड़कर ऐसे दूसरे पैर के साइड में रख लेंगे और अब हमें उसी साइड मुड़ना है जो पैर हमने बेंड किया है। अपने अपोजिट हैंड से नीज को पकड़ते हुए एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे एंड स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट आसना हम करेंगे जानू शीर्षासना। इसमें अपने एक नी को बैंड करके अपने पैर को अपनी थाइज के एकदम पास ऐसे लगा लेना है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है, जिसमें हम ट्राई करेंगे अपने हेड को अपने नी से टच करने का। इसलिए हम इंग्लिश में इसको हेड टू नी पोज भी कहते हैं। सेम हम करेंगे दूसरी साइड। ये पोज बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनको हाइपरटेंशन और हाई बीपी का इशू है। एक पदा राजा कपोतासना, इसमें हम सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन से अधोमुख स्वानासना में जाएंगे और वहां से अपने एक पैर को ऊपर उठाकर ऐसे नीज को बेंड करके आगे की साइड रखेंगे। अपने पीछे वाले पैर को एकदम स्ट्रेट करके ऐसे बैठ जाना है और पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड करेंगे। आई एडजस्टेड हर और शी डिड वेरी वेल इन फर्स्ट टाइम। आई एम शोइंग हर टू sit in malasana and she is putti toori karta hu mat pe